और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा। और बड़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, ये हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया, आपकी उम्र में तो ये झटके भी सहन नहीं होंगे। और ये वादा मैं आज डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी को कर देता हूं कि चाहे नारनौंद हो चाहे बरवाड़ा हो, जो जनता ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास किया था उसे फालतू हमने काम कराया, और आगे उससे ज्यादा विश्वास के साथ आपके हवाले दोनों सीटें भी जीत कर रहे हैं। साथियों, मेरी विनती प्रार्थना आपसे, ये छोटे 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 भ्रम फैलाए जाएंगे, इधर उधर के प्रचार किए जाएंगे, एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है कि चौधरी देवीलाल के विचारों की ताकत को हमने पार्लियामेंट में जगह देनी है। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। और साथियों, ये तो आप सब भी जानते हो, कभी बीजेपी वालों के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनना, मेरे पास तो बहुत विधायक पीड़ित आते थे, कहते क्या थे, कहते रात तो आप ही चला रहे हो, कहते थे नहीं कहते थे, 10 विधायक थे, उप मुख्यमंत्री का पद था, मेरे से पहले भी 5 रैली होंगे, नाम याद है किसी का, 25 का था। आज मैं 35 का हो गया, सारे कितने के हो गए, सबका आखिरी चुनाव है, एक बार घेर दो दोबारा मौका नहीं आने दूंगा। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की कही भी बात है, जब कार्यकर्ता आता था जी अब, तो कहते थे जाओ हवा बनाओ, जाओ हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो आ जाएगा, मगर हवा बनाने का काम कोई कर सकता है तो पार्टी के कार्यकर्ता अंतिम छोर तक जाकर चीजें बताकर कर सकते। जरूर कल के इस घटनाक्रम से मुझे देखने को मिली, मैं जब भी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता था, करनाल जाता था, सिरसा जाता था, यहां आता था, गुड़गांव जाता था, ये आजकल छोटे छोटे माइक आगे सबके हाथ में है, ये मुंह के आगे लगा के कह देते थे गठबंधन कब तक रहेगा, और मैं कहता था भाई मजबूती से रहेगा, जिस दिन टूटेगा था हमने भी बेरा नहीं लगेगा। सारे बैठे हो, पता चला किसी साथी को, आपका एक साथी है चंडीगढ़ ट्रिब्यून में, उससे पूछना, 5 दिन पहले मैंने उसको फोन करके कहा, मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा। और बड़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी, अब एक चीज मैं सीख गया, मैं किस्मत वाला हूं, 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे, उनने बात कही थी, मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त,
मैं कहा भाई 4 साल काट दिए। मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा उस दिन की वीडियो निकालो, 1-2 की और बढ़ाई करके गए थे। मेरा नहीं, गुड़गांव वाले का, फरीदाबाद वाले का, या और 2-3 मंच पे थे, किसका नंबर कटेगा। शायद 5-1 दिन पहले हलकों की मीटिंग लेके गया था इसराइली के। हमारे हिसार के विधायक बड़े शुद्ध हैं, कमल गुप्ता जी, उनके कई होर्डिंग लगे हुए थे, मेरे साथ साथ उनका नंबर कट गया और एमसी वाले ऐसे आज सारे होर्डिंग भी पाड़ ले गए। साथियों एक चीज और बोलूंगा, आज मैं आ रहा था रास्ते में मनोहर लाल जी के सरकारी होर्डिंग खूब लगे हुए थे, आने वाले टाइम में देख लेना, फोटो लगानी है भी नहीं मिलेंगे। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, ये हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया, आपकी उम्र में तो ये झटके भी सहन नहीं होंगे। और ये वादा मैं आज डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी को कर देता हूं कि चाहे नारनौंद हो चाहे बरवाला हो, जो जनता ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास किया था उसे फालतू हमने काम कराया, और आगे उससे ज्यादा विश्वास के साथ आपके हवाले दोनों सीटें भी जीत कर रहे हैं। साथियों मेरी विनती प्रार्थना आपसे, ये छोटे 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 भ्रम फैलाए जाएंगे, इधर उधर के प्रचार किए जाएंगे, एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है कि चौधरी देवीलाल के विचारों की ताकत को हमने पार्लियामेंट में जगह देनी है।